بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي شرف الحرمين والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وانا من الحسين وعلى آله وأصحابه في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اسلام کی متاع کو اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی دیا جو حرم میں جلایا حسین نے ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے جسے سن کے آج بھی ممتاز قادری بنے وہ نعرہ کربلا میں لگایا حسین نے تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا تب خاک کربلا پہ بلایا حسین نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ
मौलाना मोहम्मद इकरामुल्ला नक्शबंदी मुजद्दिदी साहिब जीद मजदूह, फाजिल मोहतशम हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान लियाकत साहिब जलाली जीद मजदूह, मोहतरम हाजी मोहम्मद मुनीर अहमद साहिब अमीर इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान जिला गोजरांवाला, मोहतरम हाफिज मोहम्मद अमीन साहिब नाज़िम आला इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान गोजरांवाला, वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाब फिक्र दानिश नहायत ही मुअज्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हजरात, रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान फतोमंड यूनिट के ज़ेर एहतमाम आज हम सब को इस अज़ीम उश्शान सैयद उश्शुहदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल इमाम आली मकाम हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शहदाए करबला के मज़ारात पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए और खालिक कायनात जल्ला जलालहु हमें उनके पैगाम को हर तरफ फैलाने की तौफीक अता फरमाए। हर दौर में हुसैनी किरदार का तकाजा किया गया है, असर हाजिर में ये तकाजा बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। इस बुनियाद पर आज की इस कॉन्फ्रेंस में सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के हुसैनी किरदार के खद्दोखाल को बयान करते हुए असर हाजिर में जो इसका तकाजा है उससे मुतल्लिक पैगाम देते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूं इदारा सिराते मुस्तकीम के इन अजीम नौजवानों को जिन्होंने ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब की सरपरस्ती में यहाँ इस काम को आगे चलाया है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खालिक कायनात जल्ला जलालहु सबको अजर अजीम अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अजमतें अता फरमाई हैं उन अजमतों में से एक अजमत ये भी है कि खालिक कायनात जल्ला जलालहु ने आपके खानदान को तमाम खानदानों में अजीम बनाया है। खुद सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्तिमा में खिताब फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया जो हदीस की मुस्तनद किताबों में मौजूद है, बिलखसूस जामे तिरमजी और दीगर सही माखिज में है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा आम में गुफ्तगु करते हुए फरमाया मन आना, मैं कौन हूं? तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने जवाब दिया अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा मन आना, मैं कौन हूं? तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने जवाब दिया अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया और यही जवाब सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने दिया। इसके बाद आपने खुद ही जवाब इरशाद फरमाया, हालांकि जो जवाब सहाबा दे रहे थे वो जवाब भी सही जवाब है और कब्र में भी वही जवाब काम आने वाला है। कलमा इस्लाम में हम उसी का इजहार और इकरार करते हैं, मगर उस वक्त मौजू कुछ और था।
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जवाब का तकाजा फरमा रहे थे। फिर फरमाया मन आना, मैं कौन हूं? फरमाया आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मेरा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे वालदे गिरामी का नाम हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु है, मेरे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये बयान करने का मकसद ये था कि कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बारे में कुछ नाजेबा गुफ्तगू की थी, तो आपने अपने खानदान की शान बयान करने के लिए उस इज्तिमा का इनेकाद किया था और लोगों को यह वाजे किया कि मुझे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाए फिर भी मेरी शान का इजहार होता है, और मुझे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला कहा जाए तो फिर भी मेरी शान का इजहार होता है। इसके बाद आपने मुख्तसर अल्फाज में अपनी पूरी तारीख को बयान कर डाला। आपसे बड़ा कोई खतीब नहीं है। इसी बुनियाद पर तो आप ये इशाद फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ में मौजूद है, फुद्दिल तो अलन अम्बिया बेसितिन, छह चीजों की बुनियाद पर मुझे तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई, वो सिर्फ मुझ में है, मेरे सिवा किसी में नहीं। उनमें ये भी फरमा उती तो जवाम अल कलिम, मुझे मेरे रब ने जामे कलमात अता किए हैं, मैं गुफ्तगू करता हूं तो अल्फाज थोड़े बोलूं माना कहीं ज्यादा होता है। जामे कलिमात का अंदाज ऐसा है कि इतनी लंबी तारीख दो तीन मिनटों में बयान फरमा दी। फरमाया इन अल्लाह खलक अल खलक, रब ने मखलूक को पैदा किया, फजअलनी मिन खैर खल्किही, तो मखलूक की दो किस्में थीं, एक थी आला मखलूक और दूसरी थी अदना मखलूक, तो रब्बे जुल जलाल ने मेरे नूर के लिए आला मखलूक को पसंद फरमाया। सुम्मा जालम फिरकतैन, फिर उस आला मखलूक को रब्बे जुल जलाल ने दो ग्रोहों में तकसीम किया, फजालानी मिन खैरहिम फिरकतन, उस आला मखलूक के ग्रोहों में से जो सबसे शान वाला ग्रोह था रब ने मेरे नूर के लिए उसको पसंद फरमाया। सुम्मा खलकल कबाइल, फिर उस आला ग्रोह को अल्लाह ने कबीलों में तकसीम किया, फजालानी मिन खैरहिम कबीलतन, उसके कबीलों में से जो सबसे शान वाला कबीला था रब ने मेरा नूर उनके सुपुर्द फरमा दिया। सुम्मा जालहुम बुयूता, फिर उस शान वाले कबीले को अल्लाह ने घरों में तकसीम किया, फजालनी मिन खैरहिम बैता, तो उसके घरों में से जो सबसे शान वाला घर था रब ने वो घर मुझे अता फरमाया। अब ये वो लफ्ज है अहले बैत के अंदर जो लफ्ज बैत है, उस बैत की शान खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बयान की। फरमाया आना खैरुकुम बैता व खैरुकुम नफ्सा, फरमाया लोगो मेरी जात तो जात रही, रब ने कायनात में मेरे घर जैसा किसी का घर भी पैदा नहीं फरमाया। एक में है आना खैरुहुम बैता व खैरुहुम नफ्सा, मेरे घर जैसा किसी का घर नहीं है, जिस घर की ये शान है उसकी तरफ मंसूब अफराद को अहले बैत कहा जाता है। और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो, उस अजीम खानदान की वो अजीम अलामत है कि जिन्होंने हमेशा के लिए ऐसा किरदार अदा किया, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दरख्वास्त की थी हाजान इबना का वर्रिस हुमा शैया, कि ये दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों आपके शहजादे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कुछ विरसा अता फरमा दें। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा
दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जिनसे कोई अजनबी मांगे तो वो भी खाली नहीं जाता। और ये जिगर का टुकड़ा है जिन्होंने सवाल किया तो महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या अता फरमाया, अम्मा हसन फलहू हैबती व सुददी व अम्मा हुसैन फलहू जुरअती व जूदी। फरमाया ए फातिमा, मैंने दोनों को दो दो विरसे दे दिए। जहां तक मेरे बेटे हसन का ताल्लुक है, फलहू हैबती व सुददी, मैंने उनको अपनी हैबत का विरसा अता किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नुसिरतु बिर्रौब मसीरता शहर, मेरे रब ने मेरी रोब से मदद की है। मेरे बहुत से काम मेरे रोब की वजह से होते हैं। मसीरता शहर, फरमाया मेरा रोब इतना है कि मेरे सामने जो हो उस पर ही तारी नहीं होता, बल्कि यहां से घोड़ा दौड़े एक महीना दौड़ता रहे, वहां बैठा दुश्मन भी यूं कांपता है जैसे उसके सर पे मेरी तलवार आ चुकी हो। फरमाया मुझे मेरे रब ने बड़ा रोब वाला बनाया है। तो फातिमा, मैंने अपने रोब का विरसा अपने हसन को अता कर दिया है। वसुद्दी, फरमाया मैं हूं सिरदार सारे जहानों का, तो मैंने अपनी सिरदारी का विरसा अपने हसन को अता फरमाया है। यहां तक कि एक मौका पर हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ मिंबर पे बिठाया और मजमा सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम का था। हमारे महबूब अलैहि सलाम एक बार सहाबा की तरफ देखते और एक बार इमाम हसन के चेहरे की तरफ देखते। सहाबा को मुतवज्जे करके फरमा, इन इब्नी हाजा सैयदुन, मेरा ये सिरदार बेटा है। लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन अल्फियतैन अल्अज़ीमतैन मिन अल्मुस्लिमीन, मुझे उम्मीद है कि रब्बे ज़ुल जलाल मेरे इस बेटे के जरिए से मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह करवा देगा। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो विरसे मिले, चश्मे फलक गवाह है, उन्होंने साबित किया कि वो वाकई वारिस है। जिस वक्त इस उम्मत में इंतशार आ गया, इख्तिलाफ हो गया, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु मसनद खिलाफत पर थे, आपने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह की और सुलह के बाद जब कुछ लोगों की तरफ से आपको ताने मिले और कुछ लोगों ने आपके खिलाफ नाजेबा अल्फाज बोले, तो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौका पर मुस्कराते हुए ये फरमाया था, बेयदी जमा जिमुल अरब, मैं वो हसन नहीं हूं जो गैर मकबूल लीडर हो और जिसकी कोई मानता ना हो। फरमाया शर्क व गरब में लोग मेरी उंगली के इशारे के मुंतजिर थे, अगर मैं चाहता तो अरबों की खोपड़ियां टकरा जाती, मगर मैंने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह करके वो हक अदा किया है जो ड्यूटी मेरे नाना जान ने लगाई थी कि उम्मत के दो धड़ों के अंदर जो दोनों अजीम होंगे मेरा ये बेटा सुलह करवाएगा। तो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु उस विरासत के कामिल हामिल करार पाए। और दूसरी तरफ हजरत सईदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, अम्मा हुसैन फलहू जुरअती व जूदी, ए फातिमा मैंने अपने हुसैन को भी दो विरसे दिए हैं। पहला विरसा कौन सा? फरमाया मैंने अपनी जुर्रत का विरसा अपने हुसैन को अता फरमाया है। याद रखना, हर नबी बहुत दलेर होता है, बहुत बहादुर होता है। जिस कौम का वो नबी हो उस पूरी कौम से वो ज्यादा शुजा होता है, ज्यादा दलेर होता है। हर नबी अशजाउल कौम होता है, मगर हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान क्या है? आप अशजाउल अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं। हर नबी ही शुजा होता है, मगर हमारे महबूब नबियों में से पहले नंबर के शुजा इंसान हैं। तो कहा, ऐ फातिमा मैंने अपनी जुर्रत का विरसा अपने हुसैन को अता फरमाया है। और इसके साथ फरमाया मैं जूद वाला हूं। और कितना जूद है? हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अजवदु जूदा,
सबसे ज्यादा जूद रब्बे जुल जलाल का है। सुम आना अजवदो बनी आदम, खालके कायनात के बाद फरमाया पूरी नौए इंसानी में जितना सखी मैं हूं इतना सखी कोई भी नहीं है। आना अजवदो बनी आदम, सुम आना अजवदो बनी आदम, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है और उसके बाद फरमाया जितना मैं देता हूं इतना कोई नहीं देता। बनी आदम तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम उसमें शामिल है, हर जमाने के बादशाह शामिल हैं, करोड़ों हातम ताई शामिल हैं। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब के लिहाज से मेरा नंबर दूसरा है मगर मखलूक के लिहाज से मेरा नंबर पहला है, मैं सबसे ज्यादा जूद वाला हूं। तो फरमाया ए फातिमा मैंने अपने जूद का विरसा अपने हुसैन को अता फरमाया है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो विरासत मिली उस विरासत का इजहार करबला के मैदान में हो रहा था। जिस वक्त सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने हालात को देखा कि यजीद पलीद का यजीदी निजाम शरीयत मुतहरा की धज्जियां उड़ाने लगा है, तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु किरदार की अदा करने के लिए मदीना शरीफ से मक्का शरीफ पहुंचे और मक्का शरीफ से आपने इराक का रुख किया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को रोकने के लिए जब आप मक्का शरीफ से सफर करके आगे जा चुके थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले अपना खत अपने साहबजादगान को देके भेजा, फिर खुद पहुंचे और कहा कि अंता रिजाउल मोमिनीन, ए हुसैन तुम मोमिनों की उम्मीद की का मरकज हो और अगर तुम शहीद हो गए तो इस्लाम का नूर बुझ जाएगा, इस वास्ते आपके जेरे साया हमें जिंदगी गुजारने और इस्लाम की खिदमात अदा करने का सुनहरी मौका मुयसर है, तो आप करबला की तरफ ना जाए। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में फरमाया जो अल कामिल के अंदर अल्फाज मौजूद है, फरमाया रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम व अमरानी बि अमरिन, फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और आपने मेरी ड्यूटी लगाई है तो मैं करबला की तरफ वो ड्यूटी निभाने के लिए जा रहा हूं। यहां वाज़े तौर पर इस चीज का ऐलान है, अगरचे कूफे का वो टोला जिन्होंने खत लिखे वफाओं का इजहार किया अपने आप को उनकी तरफ मनसूब करके मोहब्बतों के दावे किए और फिर उजरती कातिल बन के सामने आ गए, उनकी बेवफाई तो दरबुल मिसल बन गई और क्यामत तक उनके लिए अजाब है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का भरोसा उन खतूत पे नहीं था। आप निकले थे तो नाना जी की तरफ से लगाई हुई ड्यूटी निभाने के लिए निकले थे। यहां यह बात भी जरूरी है कि जो लोग ये कहते हैं कि इख्तदार के लिए गए थे, कुर्सी के लिए गए थे, लालच के लिए गए थे, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त इस नजरिए की नफी कर रहे थे। फरमाया मुझे पैगाम दिया है, मुझे खाब हुक्म फरमाया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो मेरी ड्यूटी लगी है मैं उस ड्यूटी को निभाने जा रहा हूं। तो पूछा हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने कि ड्यूटी क्या लगी है, आप उसकी वजाहत तो फरमाएं। तो फरमाया कि लम उहद्दिस बिही अहदन हत्ता अल्का रब्बी अज़्ज़ा वजल्ल, जब तक मेरी रब से मुलाकात नहीं हो जाएगी उस वक्त तक वो ड्यूटी मैं तफसील से किसी को नहीं बताऊंगा। उस वक्त रूए जमीन पर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ी शान वाला कोई इंसान नहीं था और जितनी बड़ी शान होती है उतना बड़ा इम्तिहान भी होता है। तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की अजमत की खातिर इस्लाम को बचाने के लिए और अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान करने के लिए मैदान में निकले हैं और तारीख तिबरी के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। आपने इस अगले मरहले में जाकर जब लोगों ने मजीद पूछा
कि सबब क्या है। हालात ऐसे हैं कि अकल नहीं कहती कि इस तरह टकराव किया जाए और इस तरह ऐसे अंदाज में निकला जाए जिस तरह आप निकल आए हैं। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौका पर भी ये इरशाद फरमाया था, इन्हा उलाई قد لازم طاعت الشيطان وتركوا طاعت الرحمن واتلوا الحدود وازروا الفساد واستاثروا بالفعل। फरमाया ये यजीदी टोला जो है इन लोगों ने लाजिम उतात शैतान, शैतान की बंदगी शुरू कर दी है और उसको लाजिम समझ लिया है। वतरकु तात रहमान, रहमान की बंदगी छोड़ दी है। वातलुल हुदूद, इन लोगों ने हुदूद को मुअत्तल कर दिया है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला बहाली हुदूद के लिए मैदान में निकले, दीन बचाने के लिए मैदान में निकले। आज जो लोग यजीद वलीद को अमीरुल मोमिनीन कहने के दरपे हैं और हदीस मदीना कैसर से माजला उसको जन्नती साबित करना चाहते हैं और कहते हैं बड़ा पारसा और नेक था, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह जुमला सनद से साबित है। फरमाया अत्तलुल हुदूद, इन्होंने हुदूद को मुअत्तल कर दिया है। हद की वजह से लोग गुनाह से बचते हैं और फरमाया गया उनके करीब भी ना जाओ, और जब हद ही खत्म कर दी जाए तो इसका मतलब यह है कि गुनाहों की छुट्टी दे दी गई है। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खून देकर हदें कायम की और जिहाद किया और हुदूद को कायम किया, और मेरे होते हुए वो हुदूद मिट जाए और मैं हुजरे में बैठा रहूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस बुनियाद पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अमर बिल मारूफ और नहय अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम देने के लिए मैदान करबला की तरफ बढ़े हैं और अल्लाह ने उनको वो कामयाबी अता फरमाई है कि क्यामत तक के लिए जिसने हक का झंडा लहराना है उसको करबला के मैदान से जज्बों की सौगात मिलती रहेगी। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हों ने इससे अगले मकाम पर जब हजरत हुर से आपकी मुलाकात हुई और हुर ने वाजे कह दिया कि अगर तुम लड़ोगे तो सिवाय मौत को कुछ नहीं है, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हों ने उस मौका पर भी जो खिताब फरमाया वो आज शहादत बयान करने वालों के लिए भी एक निसाब है और सुनने वालों के लिए भी एक निसाब है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पे आज भी दोरा जुल्म होता है, एक तबका माजल्ला खारजियत का उनको कुर्सी का हरीस और इक्तदार का लालची बयान करता है और दूसरा तबका उनको एक बेमकसद और बेसबरा इंसान बना के पेश करता है। जबकि अहले सुन्नत व जमात का यह मौकिफ है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला हो करबला के मैदान में कुर्सी के लिए नहीं गए बल्कि आयतुल कुर्सी के निजाम के लिए गए हैं। वो अपने इक्तदार के लिए नहीं गए, अपने नाना जी के दीन को इक्तदार में लाने के लिए गए हैं। और वो बेमकसद नहीं थे, वो अजीम मिशन पर निकले थे, अजीम मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने करबला का सफर किया था। और इस मौका पर जब हजरत हुर ने यह कहा कि सामने मौत ही मौत है, हुसैन रास्ता बदल जाओ, हुसैन करबला के साहिब से गुजर के अपनी जान बचा लो, तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौका पर जो फरमाया दर्जनों माखिज में मौजूद है। अल बिदाया में इब्न कसीर ने लिखा है इमाम हुसैन का वो जुमला शायद मौत सुना हो मौत ने तो उसको भी पसीना आ गया हो, जब कहा गया सामने मौत है आपने फरमाया आफा बिल मौत तो खविफुनी, हुर डराना हुसैन को हो और सिर्फ मौत ही पेश करते हो, मुझे डराने के लिए कोई मौत से बड़ी चीज है तो वो मेरे सामने पेश करो, तुम्हें पता नहीं चल रहा तुमने डराना किसको है, आफा बिल मौत तो खविफुनी, क्या मौत से मुझे डराते हो, मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं। फरमाया मैं तुम्हें बताऊं जब मदीना शरीफ से काफिला निकला था और एक सहाबी को उसके चचाजाद भाई ने मौत से डराया था तो जो नारा मेरे नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम ने लगाया था आज वही नारा करबला में उनका बेटा भी लगा रहा है।
इससे यह भी पता चलता है कि फिक्र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पस मंजर में फिक्र सहाबा जलवागर है। वो गवाही दे रहे थे कि ये वफाओं के पैकर हैं जिन्होंने खून के समुंदर अबूर करके इस्लाम के झंडे लहराए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने वो हवाला दिया और पता चलता है कि करबला की तैयारी बचपन ही से कर रहे थे। काफला निकला मदीना शरीफ से, एक शख्स का चचाजाद भाई आ गया और उसने कहा ये सारे शहीद होने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, तुम क्यों मरते हो, तुम अपनी जान बचाओ, घर बैठो। तो उस सहाबी ने जो शेर पड़े थे करबला के मैदान में, हजरत हुर के सामने इमाम हुसैन भी वही शेर पढ़ रहे थे। वो शेर क्या थे? इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने कहा सअमदी वमा बिल मौत आरुन अलल फता इज़ा मा नवा खैरन वजाहद मुस्लिमा इन इश्तो लम अंदम व इन मुत लम उलम कफा बिका जुल्लन अन तईश व तुरगमा। फरमाया तुम मुझे करबला से रोकते हो कि मैं साइड से गुजरू, नहीं सअमदी, मैं अभी थोड़ी देर के बाद क्रॉस करूंगा इसे। क्यों? वमा बिल मौत आरुन अलल फता, इस वास्ते कि जवान मर्द को मौत से शर्म नहीं आती, जवान मर्द मौत से शर्माता नहीं। तुम मुझे डराने के लिए मौत का जिक्र करते हो, यह तो मेरे महबूब के गुलाम भी मौत से नहीं डरते, मैं कैसे मौत से डर जाऊं। सामदी वमा बिल मौत आरुन अलल फता इजा मा नवा खैरम व जाहद मुस्लिमा। फरमाया हर जवान की मैं बात नहीं कर रहा, वो जवान मौत से नहीं डरता कि जिसकी नीयत ठीक होती है और जिहाद इस्लामी का झंडा हाथ में होता है। इजा मा नवा खैरम व जाहदा मुस्लिमा। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला दाखिल होने से पहले यह वाजे कर रहे थे कि मैं जिहाद इस्लामी के लिए आया हूं, मेरी नीयत ठीक है, मैं दीन की खातिर निकला हूं। और अगले जुमले के अंदर आपने जो दूसरा तबका है उनका भी रद्द फरमा दिया। फरमाने लगे इन इश्क तो लम अंदम, अगर मैं करबला में जाके बातिल से टकरा के फिर भी मैं जिंदा रहा तो फिर मुझे नदामत नहीं होगी, और अगर आज रूपोश हो जाऊं तो सारी जिंदगी सर उठा के नहीं चलूंगा। तो मैं यहां पर आया हूं, वल्लाह इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदतन वल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला जुर्मा। फरमा खुदा की कसम इस वक्त मौत को सआदत समझता हूं और जालिमों की हिमायत करके जीने को जुर्म समझता हूं। तो मैं यहां जुर्म करने नहीं आया बल्कि कर्म करने आया हूं। फरमा दो ही सूरतें हैं, अब तीसरी नहीं है, दो ही है सिर्फ ऑप्शन, करबला जाने के बाद बातिल से टकराने के बाद या तो फिर भी मैं जिंदा रहूंगा जाहिरी हयात में और या फिर शहीद हो जाऊंगा। फरमाया अगर बातिल से टकरा के जिंदा रहा जाहिरी हयात में तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी, और अगर मैं शहीद हो गया तो फरमाया फिर भी मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं, जिस रब के लिए जान दूंगा वो रब मुझे दर्द नहीं होने देगा। मौत से तब डराओ मुझे कि मुझे तीरों नेजों का दर्द होना हो, मुजरिमों जालिमों से हर जुल्म का हिसाब होगा, मगर जो रब के लिए निकल आता है, रब्बे जुल जलाल की कुदरत है, चाहे तो हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के हलक पे छुरी चलती रहे और वो काट ना सके, और चाहे तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो जख्मी हो मगर दर्द हो ना सके, खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू के उस वादे के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे कि मैं आगे बढ़ूंगा, अगर फिर भी जाहिर हयात में जिंदा रहा मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी, और अगर मेरी शहादत हो गई तो मुझे दर्द नहीं होगा। ये करबला के कमरा इम्तिहान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो वाजे फरमा रहे थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अश्शहीदु ला यजिदु अलमल क़त्ल कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसति। फरमाया शहीद को वक्ते शहादत इतना भी दर्द नहीं होता जितना तुझे चींटी के काटने पे दर्द होता है। ये हमारे नबी अलैहि सलातो सलाम
का इदराक है, मुझे मेरे दर्द का इदराक है, आपको आपके दर्द का इदराक है, और दर्द ऐसा कोई पैमाना ही नहीं जिससे दर्द का ग्रेड बयान किया जा सके। मगर नबूवत का इल्म कितना है, शहीद तो दुनिया से चला गया, बताने नहीं आया कि मुझे दर्द कितना हुआ था। महबूब फरमाते हैं मुझे यह भी पता है शहीद को कितना होता है, और मुझे यह भी पता है चींटी तुझे काटे तो तुझे कितना होता है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत फरमाई है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की, उस तरबियत के मुताबिक उन्होंने हजरत हुर से वाज़े कह दिया, अपना जो मकसद था वो बयान कर दिया और उन पे भी ज़र्ब लगाई। फरमा कफा बिका ज़ुल्लन तईश व तुरगमा, तुम्हारे लिए यही जिल्लत काफी है कि जो दिल में होगा वो कह नहीं सकोगे। उन पर भी असर हुआ, वो भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के काफिला में शरीक हुए। तो सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला जाने से पहले आज के उन दोनों राफजियों और खारजियों के नजरियात को खुद रद्द फरमा दिया कि मैं इक्तदार के लिए नहीं गया, मैं तो दीन के लिए गया हूं, जिहाद इस्लामी के लिए गया हूं, और मैं हाय हाय करता हुआ, शिकवा और शिकायत करता हुआ, मातम और सीना को भी करता हुआ मैं आगे नहीं बढ़ा, बल्कि मैं तो इस अंदाज में गया हूं, तुझे वो शाख से तोड़े जहे नसीब तेरे, के तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे। हर एक की जान तो वहां कबूल ही नहीं होती, वो बड़ी अजीम जाने हैं जिन्हें रब्बे जुल जलाल अपने दरबार में कबूल फरमाता है। इस बुनियाद पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह किरदार, इसको सिर्फ आले सुन्नत ही बयान कर सकते हैं, और अल कामिल में वो अल्फाज मौजूद हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला के कमरा इम्तिहान में ये वाजे फरमा रहे थे कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था, अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रत ऐन अहले सुन्ना, ए हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार भी हो और अहले सुन्नत की आंख की ठंडक भी हो। अहले सुन्नत का मुकद्दस नाम यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान पर करबला के मैदान में भी था, और ये वो नाम है हमारा जो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज फरमाया, और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उसको बयान फरमा रहे थे। तो सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौका पर यह सबक भी हमारे सामने रखा, जब आपके अजीम फरजंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अल कामिल में वो अल्फाज भी मौजूद हैं, सवारी पे बैठे थे, थोड़ी सी नींद आई, ऊंग आई, और फिर सर उठाया तो पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दोनों आयात मिला के पढ़ी। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, जुइल तो फिदा का, अब्बा जी मैं आप पे कुर्बान कर दिया जाऊं, बिमा हमिद तवस्तर जाता, सबब क्या है? दो आयात इकट्ठी पड़ी हैं, हमद भी करते हो, इन्ना लिल्ला भी पढ़ते हो, बज़ाहिर ये दोनों जुदा जुदा मकामात पे पढ़ी जाती हैं। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में ये इरशाद फरमाया कि अब जिस वक्त मुझे आंख लगी है तो एक शख्सियत को मैंने देखा जो फरमा रहे थे, अल कौमु यसीरूना वल मनाया तसीरु इलैहिम, कि ये लश्कर हुसैन मौत की तरफ जा रहा है और मौत इनकी तरफ बढ़ रही है, मैंने अब देख लिया कि नतीजा क्या है, इंजाम क्या है, इस हमारे इस सफर के इख्तिताम पर हमारे लिए शहादतें हैं, मैंने ये देख लिया तो मैंने हमद भी की है, इन्ना लिल्ला भी पढ़ा है, ताकि क्यामत तक जब हमारी शहादतों का तज़किरा हो तो कोई शिकवा और शिकायत से हमारी शहादतों को बयान न करे, मैंने पहले अलहम्द पढ़ दिया है, मैंने रब की तारीफ की है, और साथ ये वाजे किया है कि हम अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ चले जाने वाले हैं। जिस वक्त ये जवाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب سوال کیا، فرمانے لگے السنا علی الحق، ابا جی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ موت ہمارے لیے کیوں ہے؟ جس طرح آج کچھ لوگ جو دوسری سوچ رکھتے ہیں وہ بھی ظاہری طور پر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر پیارے تھے تو پانی کیوں بند ہوا، پیارے تھے تو پھر قتل کیوں ہو گئے، شہید کیوں ہو گئے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب کے لیے اسی دن سوال خود فرما دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرما دیا، جب پوچھا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا والذی یرجو الیہ العباد، کیوں نہیں، ہم ہی تو حق پر ہیں۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پیار بھی نبیوں سے ہوتا ہے اور سب سے سخت امتحان بھی انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، پھر جون جون سٹیٹس نیچے آتا ہے امتحان بھی ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ اسی نقطہ نظر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے لیے موت بحثیت عذاب نہیں ہے، ہمارے لیے اس جہاد کی شکل میں، ایک سعادت کی شکل میں موت آنے والی ہے۔ مجھے اس رب کی قسم جس کی طرف روحیں لوٹ کے جاتی ہیں، اے میرے بیٹے ہم حق پر ہیں، اس لیے تو کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ اتنے جواب پر ہی امام زین العابدین بول پڑے، کہنے لگے اذن لا نبالی ان نموت محقین، ابا جی پھر کوئی ڈر ہی نہیں، دشمن دس ہوں، دس ہزار ہوں، جتنے بھی ہوں، ہم حق کی خاطر حق حق کرتے دنیا سے چلے جائیں گے۔ جس وقت یہ جواب سنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اپنے عظیم فرزند کی اس سوچ پر جو فوراً بات کو سمجھا اور اس پر اپنے کمنٹس کا اظہار کیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جزاک اللہ انی خیر ما جز اللہ ولدن او والدہ، میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال کسی والد کے بہترین کام کی جزا جو اس کے بیٹے کو دیتا ہے، رب میرے بہترین کام کی جزا بیٹے تمہیں عطا فرما دے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جرأت اور استقامت کے ساتھ نکلے اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ جب ڈرایا جا رہا تھا کہ آگے موت ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ یہی کہہ رہا تھا پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا، اگر مرجھا گئے حق کی تمازت سے تو کیا غم ہے، کذب کے خارزاروں میں کھل جانا نہیں آتا، پتا ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں، محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا۔ اس انداز میں کربلا میں ثابت قدم رہے کہ قیامت تک کے لیے راہوں کو روشن کیا، قیامت تک کے لیے کربلا کو دستگاہ بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک مینار نور قائم کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار سے آج کے حالات میں ہمارے لیے کتنے سبق موجود ہیں۔ ریگ عراق منتظر، کشت حجاز تش ناکام، خون حسین باز دے کوفہ و شام خیشرا، آج بھی کربلائیں ہیں مگر آج ہمارے اندر وہ کردار مشکل سے ملتا ہے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی نمائندگی کرتا ہوا ہمیں نظر آئے۔ دیکھو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا صوفی کون ہوگا، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے زیادہ سب زندہ دار کون ہوگا، ان سے بڑا قرآن کا قاری کون ہوگا؟ جب یزید پلید برسر اقتدار آ گیا تو ہو سکتا تھا یہ سوچ لیتے کہ پہلے بطور مثال دن میں 500 نفل پڑھتا ہوں، اب 1000 پڑھ لیتا ہوں، چونکہ اقتدار پہ برا شخص آ گیا ہے۔
पहले कुरान मजीद की जितनी तिलावत करता था अब उससे डबल कर लेता हूं। मगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला हो मैदान में निकले हैं, बातिल से टकराए हैं, और एक मकाम पर आपने फरमा आना अहक मिन गैरी, यजीद के खिलाफ लड़ने का जितना मेरा हक है इतना बाकी लोगों का हक नहीं है, वो बाकी मुझसे पीछे हैं, मैं पहले नंबर पे आगे जाने वाला हूं। और अमर बिल मारूफ और नहय अनिल मुनकर के लिए वो खुद अपनी तरफ से तशरीहात मुरतब फरमा रहे थे, कमराए इम्तिहान तक अपने हुजरे से निकल के पहुंचे। हालांकि बंदगी तो एक मिसाली बंदगी थी, तकवा मिसाली तकवा था, मगर उनके सामने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान था कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिब्रील चलो फलां बस्ती को उल्टा कर दो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे इन फीहिम अब्दा का फुलानन लम यासे का तरफतायन, ए अल्लाह मैं उस बस्ती को उल्टा तो करूं मगर उस बस्ती में तेरा बड़ा ही परहेजगार बंदा भी है, उसको मैं साइड पे करके बाकी बस्ती को उल्टा कर दूं। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अलैहि व अलैहिम, जिब्रील उसके समेत बस्ती को उल्टा करो। और वो परहेजगार कितना था, रिकॉर्ड नेकी है उसकी, आप हैरान होंगे, उसकी जिंदगी का कोई दिन भी गुनाह में नहीं गुजरा था, दिन तो क्या घंटा भी नहीं गुजरा था, घंटा तो क्या मिनट भी नहीं गुजरा था, मिनट तो क्या एक सेकंड भी गुनाह में नहीं गुजरा था, तरफातायन आग झपकने के बराबर भी उसने गुनाह नहीं किया था। अब कितनी नेकी दिन को करता है, कितनी रात को, दिन रोजा रात क्याम, आंख पाक जुबान पाक, हर वक्त तकवे की जंजीरों में अपने आप को जकड़ के रखता है, मगर मरने का वक्त आया है तो रब्बे जुल जलाल फरमाता वो बस्ती जिसमें गुंडे डाकू जानी बदकार शराबी चोर उचक्के हैं, जिब्रील उसको उल्टा करो और ये परहेजगार तहज्जुद गुजार सूफी इसको भी उनके साथ ही उल्टा कर दो। जिब्रील अलैहि सलाम को बड़ा ताज्जुब, कहां गए उसके रोजे, कहां गई नमाजें, कहां गए सजदे। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिब्रील सुनो इन वजहहू लम यतमार फिया सातन कत्तो, मैं क्या करूं उसकी बंदगी को, मैं क्या करूं उसकी नमाजों को, मैं क्या करूं उसके रोजों को, उसके होते हुए मेरी शरीयत का मजाक उड़ाया गया, उसके होते हुए मेरी हुदूद को पामाल किया गया, उसके होते हुए मेरे निजाम के खिलाफ वर्जी की गई, तो इसने उन बुरों के सामने डट के मुकाबला करना तो दूर की बात है, इसने जुबान से कोई जुमला ही नहीं बोला। जिब्रील जुमला तो दूर की बात है, इसके चेहरे का रंग भी नहीं बदला। जब बुरे बुराई करते थे ये बाजार से गुजरता था, इसका हक बनता था, तो कम अज कम इसके चेहरे का रंग तो बदलता, इसको गुस्सा तो आता, ये खुद नेक रहा मगर माहौल बदी में डूबता रहा और इसने कोई किरदार अदा नहीं किया। जिब्रील मैं उसके सजदे कबूल करता हूं जो अपना मुसल्ला भी बचाता है, अपने माहौल का महल्ला भी बचाता है। अब देखो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का इदराक, उनका मुताला और दीन पर आइडियालॉजी पर प्रैक्टिकल करने का जज्बा, हदीस शरीफ में जो है कि एक परहेजगार जब अंदर बैठा हो और बाहर शैतान नंगा नाच रहा हो और हुदूद का मजाक उड़ाया जा रहा हो, शरीयत की धज्जियां बखेरी जा रही हो, तो उसके सजदे कबूल ही नहीं होते। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला हो इस नुक्ता पर पहुंच गए कि अगर मैं अपने हुजरे में जितनी भी बंदगी कर लूं लेकिन माहौल अगर मैंने यजीद के लिए खुला छोड़ दिया, वो जैसे चाहे जो करता फिरे, तो कल मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे होते हुए दीन पे मुश्किल वक्त आया था और तुमने क्या किरदार अदा किया था। इस वास्ते हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला हो करबला के मैदान की तरफ बढ़े और जितनी बड़ी शान थी उतना बड़ा इम्तिहान भी दिया। अमर बिल मारूफ
और نهی عن المنکر کے لحاظ سے ایک معیار قائم کیا بلکہ ایک نصاب بنا دیا کہ جب بھی ایسی صورتحال بنے تو میرے ماننے والے وہ نکلیں اور وہ بتائیں کہ رب ذوالجلال نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبوں کو قیامت تک دوام عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینا آسان ہے مگر حسینیت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھو وہ پرہیزگار اس کی نیکی قبول نہیں ہوئی کہ اس نے بدی کے خلاف جہاد نہیں کیا اور تو اور رہا چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا، بدی سے کمپرومائز کر کے بیٹھا رہا، تو اس کی اپنی نیکی جو ہے وہ ساری ضائع ہو گئی۔ اس بنیاد پر آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں، وہ جس نے ایک لمحہ بھی گناہ نہیں کیا تھا اس کی ساری نیکیاں رائے گاں چلی گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پہ احسان ہے کہ آپ نے ہمیں باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا سبق عطا فرمایا، پریکٹیکل کر کے بتایا۔ اگر آل پاک نے قربانیاں کربلا میں نہ دی ہوتی تو شاید کوئی کہتا کہ یہ دین محض نظریہ ہے، اس پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے اور عمل کوئی کر نہیں سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے مقدس خاندان نے پہلے عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پہلے عمل کر کے دکھایا ہے تاکہ قیامت تک جو دین متین کے محافظ ہوں انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں قدم قدم پہ آزمائشیں ہوتی ہیں، قدم قدم پہ امتحانات ہوتے ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے محبوب صبر کرنے والوں کو آپ خود جنت کی بشارت عطا فرما دیں۔ اس بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سبق عطا کیا، اس سبق کے پیش نظر جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی اس سے آج کے حالات کے لحاظ سے اپنے نتیجے کو اخذ کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ ہماری سرداری کا اعلان جو قرآن مجید میں ہے کہ تم ساری امتوں کے سردار ہو، اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو، اللہ پر تمہارا ایمان ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس امت کو سردار بنایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی امت ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر یہ امت قائم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دلیل۔ پہلی امتوں میں بھی جہاد تھا، بدی سے مقابلہ تھا، نہی عن المنکر کا جذبہ تھا، مگر پہلی امتوں میں نہ تمہیں بدر جیسا میدان نظر آئے گا نہ کربلا کے میدان میں امام حسین نظر آئیں گے۔ یہ اس امت کی شان ہے، اور وہ حسینی جذبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفویض کیا اس وقت بھی اس امت کی صداقت کی دلیل ہے کہ امت آج بھی بانج نہیں ہوئی، وہ جذبہ آج بھی امت میں موجود ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ حسینیت ہے کہ باطل سے ٹکرا جانا، موت سے نہ ڈرنا، زندگی سے پیار کی جگہ موت سے پیار کرنا۔ کروڑوں سلام ہو حسین تیری ذات کو، جو جذبہ تم نے کربلا میں ہمیں عطا کیا تھا اس کی دلیل آج بھی غازی ممتاز حسین قادری کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ باطل پرستوں کی نیندیں حرام ہو گئیں کہ آج بھی ایسا جذبہ امت میں موجود ہے کہ موت سے پیار اور زندگی قربان کرنے کا جذبہ۔ دیکھو اس وقت یزید اقتدار کے نشے میں مست تھا اور سمجھتا تھا مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل سے ٹکرائے، یزید کا ظلم شکست کھا گیا،
इमाम हुसैन का सबर फतह पा गया और उनकी अताओं से, उनके नाम की बरकत से इस वक्त भी जब इस पंजाब का एक शराबी गवर्नर गुस्ताख ये समझ रहा था कि मेरे इर्द गिर्द सिक्योरिटी है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, रोजाना टीवी पे बक बक करता था, नामूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को काला कह रहा था, तो हर एक हुसैनी जज्बे वाला निकला जिसने उसको मौत के घाट उतार के ये वाजे किया, हुसैनियत कल भी अहले सुन्नत के पास थी, हुसैनियत आज भी अहले सुन्नत के पास है। इस बुनियाद पर हमारी ये महाफिल रायगा नहीं है, दूसरे लोग 10-10 साल पढ़ा लें, उनके पढ़ुओं को हुसैनियत नहीं आती, हमारे जलसों में बैठने वालों को हुसैनियत आ जाती है। और ये सदाकत है इस्लाम की, दीन की बरकत है, अहले सुन्नत की अजमत है। 4 जनवरी को जब ये वाकया हुआ, उसके बाद इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान की तरफ से लाहौर से हम कारवां लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, ये सारे दोस्त बैठे हैं, हजारों की तादाद में लोग जब इस रावलपिंडी में गाजी मुमताज हुसैन कादरी के घर के बाहर इकट्ठे थे, खिताब के बाद जब मैं उनके घर में गया, उनके 3 माह के बच्चे को देखकर मेरी सोच सीधी मदीना शरीफ पहुंच गई कि कैसा इंसान है, 15वीं सदी में भी ऐसा इश्क कि ना बेटे से प्यार किया, ना बीवी का ख्याल किया, ना आराम सुकून वाले बेडरूम को देखा, और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजली के झटके बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गया, टकरा गए बातिल से गाजी मुमताज हुसैन कादरी, मगरब के ईवानों पर जलजला तारी हो गया, पूछा गया बार बार मगर इकरार ऐसा किया कि इनकार नहीं किया। अगर इश्क कच्चा होता, रंग धीमा होता, तो 4 दिन की कैद से उतर जाता, वो मौत का शैदाई, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवाना, आज तक कोई जुमला तो क्या, एक लफ्ज भी शिकस्त खुर्दा नहीं बोला, जितने इंटरव्यूज हुए, जितनी बार पूछा गया, जितनी बार सवालात हुए, क्यों किया, किस लिए किया, क्या तौबा करोगे, क्या माफी मांगोगे, क्या इनकार करोगे, तो गाजी ने हर मौका पर यही कहा, शराबे इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। मोहतशम सामिन हजरात, हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी का किरदार कैसा किरदार है, कैसा किरदार है, सारे जवाब दो, कैसा किरदार है। अगर किसी को शक है तो वो ना बोले, अगर किसी को यकीन है तो वो जवाब दे, कैसा किरदार है, बाजू उठा के बताओ कैसा किरदार है। हुसैनी किरदार है, और जो हुसैनी किरदार हो तो फिर हुसैनी किरदार का साथ देना चाहिए। तुम खुद बता रहे हो कि हुसैनी किरदार, तुम्हें एजेंसियों ने पैसे नहीं दिए कि मैं पूछूं तो तुम कहो हुसैनी किरदार, तुम्हें किसी ने आके कायल नहीं किया, ये तो मेरे रब का वादा है, इन्नल्लज़ीन आमनु वामिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा देता है। तो ये हमारे पास एक तराजू है अमले साहले के लिए कि अमले साहले चेक करें कौन सा है, दिलों में मोहब्बत जो पैदा हुई पूरी उम्मत के अंदर, तो पता चला 4 जनवरी को जो गुस्ताख पर गोली चलाई गाजी मुमताज ने, तो कुरान के फैसले के मुताबिक बुरा काम नहीं अच्छा काम था, अमले साहले पर मोहब्बत पैदा हुई है। मैं बतौरे यकीन से यह कहता हूं
और आप तमाम के दिलों की तर्जमानी करते हुए कहता हूं कि शायद तुम में कोई एक भी ना हो जो 4 जनवरी से पहले मुमताज हुसैन कादरी से वाकिफ हो, और आज कोई एक भी नहीं जो उनके नाम से वाकिफ ना हो। पहले वो सिर्फ अपनी अम्मी का प्यारा था, आज पूरी उम्मत की आंख का तारा बन गया है। तो पता चला मोहब्बत पैदा हुई है, मोहब्बत दिलों में आई है, सिर्फ इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में मोहब्बत दिलों में रब ने पैदा फरमा दी है। और ये गाजी के प्यार के जो नारे हैं ये आम लीडरों के प्यार से जुदा है। अब लाहौर में गोजरांवाला में ये जो सियासी लोग जलसे कर रहे हैं इनके भी जीवे जीवे के नारे लगते हैं, मगर इनके नारे वो कुरानी आयत के मुताबिक मोहब्बत का इजहार नहीं। इन नारों के पीछे लालच है, कुछ किसी को मिला हुआ है या कुछ लेने का। किसी नारे के नीचे परमट है, किसी के नीचे प्लाट है, किसी के नीचे आटे का तोड़ा है, किसी के नीचे लीडर की दी हुई ईदी है। मगर सलाम हो गाजी मुमताज तुझे, तेरे नारे लगाने वालों से तो तेरी आज तक मुलाकात ही नहीं हुई, और इसके बावजूद भी तेरे नारे लग रहे हैं, तो पता चला ये खाके करबला का फैजान है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी का किरदार हुसैनी है, तो सलमान तासीर का किरदार यजीदी है, तो फिर फैसले की घड़ी है, हमने हुसैनी किरदार का साथ देना, यजीदी किरदार की तरफ नहीं देखना। अगरचे यजीदी किरदार को कोई बना संवार के पेश करे, यजीदी किरदार को कुछ 13 घंटे की दलीलों से साबित करे, तुमने फिर भी साथ हुसैनी किरदार का देना है। इस वास्ते की हुसैनियत कल भी अहले सुन्नत के पास थी, हुसैनियत आज भी अहले सुन्नत के पास है। आज हमारे सर फखर से बुलंद है कि रब्बे जुल जलाल ने अहले सुन्नत को यह दलील अता फरमाई है कि जिस बुनियाद पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यार का दावा सच्चा साबित किया जा सकता है, रब्बे जुल जलाल ने वो दलील भी अहले सुन्नत को अता फरमाई है। इस वास्ते आज अगर किसी से हुसैनी किरदार अदा ना हो सके तो कम अज कम जिसने अदा किया है उसका लिहाज तो करें। कोई खुद यजीद से नहीं टकरा सकता तो जो टकराया है उसके बारे में बकबक तो ना करे। किसी को जान प्यारी है और अमेरिका की सिक्योरिटी में रह के सांसें लेता है तो वो फिर इसकी आग में जलने वालों पर तनकीद तो ना करे। इस बुनियाद पर गाजी मुमताज हुसैन कादरी इस वक्त हुसैनियत की अलामत है और हम उन पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो उन पर तनकीद करेगा हम समझेंगे वो कल के यजीदियों का और आज के यजीदियों का हामी है, और जो गाजी मुमताज की रिहाई के लिए कोशिश करता है, सड़कों पे निकलता है, नारा लगाता है, पता चला कि इसको महबूब की आल की मोहब्बत से प्यार, आल से प्यार है और मोहब्बत है और हुसैनियत के जज्बे से आज लगन है। इस बुनियाद पर किसी लीडर की लीडरी को मत देखें, अपनी अपनी कब्र में जाना है, और इस चीज को जहन में रखें, दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताएं, जी सबब ब यक दिगर पे वस्ताएं। गाजी मुमताज से हमारी ना कोई बचपन की दोस्ती है ना कोई खूनी रिश्ता है, मगर क्यों नाम लेते हैं, सिर्फ इसलिए लेते हैं कि जो उनके महबूब है वही हमारे भी महबूब है। यह मोहब्बत का रिश्ता हमें मजबूर करता है, और इसके पेश नजर हमने उनकी रिहाई के लिए अल्लाह के फजल से कोशिश करनी है। मैं तो यह कहता हूं हर आशिक रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी, हर आशिक रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी, अहदे रवां का कौल और इकरार कादरी, फैजे रिजा से पैकरे किरदार कादरी, सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। देखो हम तारीख पढ़ते हैं, सीरत सहाबा पढ़ते हैं, वो जज्बा उसकी तजल्ली हमें यहां नजर आती है। जो किरदार अदा किया था वो तो किया ही था,
کتنے درمیان میں مراحل تھے، اگر ایک وقت بھی شکست کا آ جاتا تو کتنی ہزیمت اٹھانی پڑتی، مگر سچے نے سچ ثابت کیا، اور اس انداز میں کہ جب ڈیتھ سینٹنس موت کا فیصلہ انہیں سنایا گیا اور انہوں نے اس فیصلے کو مسکرا کے سنا تو دور صحابہ کی یادیں تازہ ہو گئی۔ وہ حضرت زید بن دسنہ کو پکڑا گیا تھا حدود حرم سے، اور جب باہر نکالا گیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پوچھا، اتحب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم الان اندنا ندرب انکہ انکہ جالس فی اہلک، اے زید اس وقت تم تلوار کے نیچے ہو اور تمہارے محبوب آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا، تم گھر میں ہوتے، تمہارے محبوب ہماری تلوار کے نیچے ہوتے، بتاؤ تمہارے دل میں ان دو چیزوں سے تمہیں پسند کیا ہے؟ دل کی بات بتاؤ، سر تمہارا ویسے بھی اتر جائے گا، مدینہ شریف میں تمہاری جواب طلبی نہیں ہوگی، دل کی بات بتاؤ دل میں کیا ہے؟ تو حضرت زید نے کہا، واللہ ما احب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الان فی مکانہ الذی ہوا فیہ تصیب شوکت وانی جالس فی اہلی، رما خدا کی قسم قید ہونا ہمارے محبوب علیہ السلام کا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ان کو گھر میں کانٹا چپ جائے ہم پھر بھی اپنے گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ موت کے منہ میں حضرت زید بن دسنہ مسکرا رہے تھے، اور ادھر زہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کے لیے محبوب علیہ السلام نے حضرت زید کو بھیجا، حضرت زید کہتے ہیں میں نے دیکھا، اذن بھی سبون دربہ، بدن پہ 70 زخم لگے ہوئے تھے، تو بھی آخر و رمک اور روح نکل رہی تھی، تو پوچھا کئی فتح جیدوں کا سعد، محبوب پوچھ رہے حال کیسا ہے، تو کہنے لگے بڑا اچھا ہے، انی لاجد ریح الجنہ، لیٹا احد میں ہوں خوشبو مجھے جنت کی آ رہی ہے، 70 زخم ہیں مگر پھر بھی مسکراہٹ ہے، 70 زخم بھی ان کو نڈھال نہیں کر سکے، وہ جذبہ آج اڈیالہ جیل کے شیر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جج کہتا دو بار تمہیں سزائے موت، غازی کہتے ہیں پھر مٹھائی لا کے مجھے فیصلہ سنانا تھا، مجھے مبارک بات تم دیتے کہ رب ذوالجلال نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے 15ویں صدی میں اتنا پیار محبوب علیہ السلام سے اور اس قدر جان نثار بننا، یہ اس شیر مرد کی بات ہے، اس واسطے میں یہ کہتا ہوں ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکرے کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری، جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری، میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری، ہم توڑ دیں گے جیل کی دیوار آپ ہی اب بن گیا ہے جذبوں کا سالار قادری، جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ لوگ پوچھتے ہیں رشتہ کیا ہے، یہ رشتہ ہے ہمارا، جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ میں بیمار قادری کی بات نہیں کر رہا، میں دلدار قادری کی بات کر رہا ہوں، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، ایک پھسلا تو دلدل میں پھنسا، دوسرے نے جمپ لیا تو لاکھوں سے آگے نکل گیا، ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، یہ کہہ دیا ہے آصف نے سب سوچ ساچ کے، سب مانگتے ہیں سب کو ہے درکار قادری۔ اپنی بات اسی پہ ختم کر رہا ہوں، حسینیت کے لیے سب کو میدان میں نکلنا ہے، ادارہ صراط مستقیم پاکستان حسینی منشور رکھتا ہے، اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل، اصلاح معاملہ اور اصلاح نظام کی یہ تحریک، اللہ تعالی
हम सबको मिलकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही पुर असर मेरी दुआ कर, विजाहे मुस्तफा खैरुल वरा कर, खुदा वंदा दुआ मेरी यही है, मेरे मुमताज गाजी को रिहा कर। वाखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।